क्रीड़ा क्षेत्र के कारण युवाओं में स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है, जिसके कारण आज के प्रतियोगी युग में युवा को सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा वक्तव्य राज्य के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार ने किया। वे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर और रायसोनी ग्रुप की ओर से आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर और रायसोनी ग्रुप की ओर से शनिवार को एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिस दौरान राज्य के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के जरिए कई चीजें हासिल होती है, लेकिन क्रीड़ा मंत्री के तौर पर मैं ये सोचता हूँ कि जीतने की भूख रखने वाली पीढ़ी हम तैयार कर रहे हैं, वही फाइटर जनरेशन होना जरूरी है। जहाँ हर जगह कॉम्पिटिशन का दौर चल रहा है, वहाँ स्पोर्ट्समैनशिप होना जरूरी है। स्पोर्ट्स फैटिलिटी, डॉक्टर साहब के शब्दों को तो अपन नहीं मैच कर सकते, लेकिन थोड़ा मैं शब्दों को पूर्ण करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा योगदान रहा है, मैं समझूँ कि उनका योगदान रहा है इस गेम का, माई करियर, यू नो, बिकॉज आई हैव ऑलवेज रिसीव लॉट ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स फैटिलिटी, स्पेशली द जर्नलिस्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मानता हूँ कि फॉर एनी स्पोर्ट्समैन द काइंड ऑफ एनकरेजमेंट, प्रेस में नाम आना, फोटो आना, दिस ऑल एक्ट्स एज अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू नो योर डेज व्हेन यू आर रियली ट्राइंग योर बेस्ट टू यू नो अचीव समथिंग। ओलंपिक की बात है, आई थिंक इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर यू नो स्पोर्ट्स इन इंडिया। आई वुड से यू नो द ओलंपिक्स एट टोक्यो इज अ ग्रेट इंडिकेटर कि नीरज चोपड़ा कैन यू नो गेट योर गोल्ड, यू नो दैट्स अ फैंटास्टिक जी। आणि ज्यांच्या खास आग्रह सार ज्यांना झालं किशोर सिंह यायला उशीर झाला हे मला मान्यच आहे, बऱ्याच वेळा आपल्याला वाट पाहिलं आणि प्रशांत विचारत होतं सुनील आला की नाही आलं म्हणत्या दिवशी, पण आम्ही राजकारणी लोक निवडणूक म्हणलं म्हणजे आम्ही सगळं विसरून जातो। कळवणा मार्केटला बाजार समितीची निवडणूक चालू आहे, मतदान चालू आहे आणि कालपासून त्याच होत्या तुरून झालेल्या आहेत। आपल्या सगळ्या माहिती की आम्ही राजकारणी लोक निवडणुका जिंकल्यानंतर कोणी साबाजकी थाप दिली की नाही मला माहीत नाही, मी ज्या दिवस बघतो, पण कुठं कमी झालं तर बिलकुल पोस्ट पाठवून करून आपण विशेष काळजी घेऊ होतो, याला उशीर झाला त्यामध्ये दिलगिरी आणि खंती व्यक्त करतो। प्रशांतने ज्या गोष्टी सांगितल्या गोष्ट खरी आहे की स्पोर्ट्स करणाऱ्या व्यक्तीला सगळ्याच काही आबळाला हात लावता येणार नाही, कारण मग प्रत्येकाचा आपापला त्या ठिकाणी असल्याचं काही इफेक्ट नॉट आहे। इस अवसर पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण क्रीड़ा क्षेत्र का नुकसान हुआ है, लेकिन 4 से 8 आयु वर्ग के बच्चों का इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये चीजें सीखने की उम्र होती है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।